हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जी, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। और लेक्चर नंबर 4 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बिकॉज हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की कहानी चल रही थी और उस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की कहानी में हमारा जो सिलसिला है वो रेजोनेंस तक हो गया था। अब हम आज अपनी एक नई कहानी स्टार्ट करते हैं, वो इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी होगी। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन रह जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपर कॉन्जुगेशन कवर करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन, तो हमारा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पैकअप हो जाएगा। अब ध्यान से देखो इधर कि मैं स्टार्ट करता हूं बेटा जी इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी को, बहुत ध्यान से देखना इंडक्टिव इफेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि सर ये इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, वर्क कैसे करता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। ये सारी चीजें मैं आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और इस क्लास के बाद आपको इंडक्टिव इफेक्ट में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कंपाउंड को देख के बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो कि सर इसमें इंडक्टिव इफेक्ट की कितनी कहानी है। तो ध्यान से देखो इधर, अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट को सबसे पहले डिफाइन करूं तो बेटा जी दिस इफेक्ट इज अकरिंग इन ग्राउंड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट विच इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये क्या है, एक छोटी सी डेफिनेशन है इंडक्टिव इफेक्ट की, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इंडक्टिव इफेक्ट का। रेजोनेंस में तब भी थोड़ा सा वेरिएशन था, इंडक्टिव इफेक्ट में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो इंडक्टिव इफेक्ट कहता क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट कहता है कि एक ऐसा इफेक्ट है, दिस इफेक्ट इज अकरिंग इन ग्राउंड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट विच इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन या फिर हम सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी इसे कह सकते हैं। तो बेटा जी अगर मेरे पास कोई भी कंपाउंड है, ध्यान से देखो कि मेरे पास ये एक बॉन्ड है, आप जानते हो कि सर ये मेरे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके पास क्या होता है, इसके पास इसके कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्या होता है कि अगर मैं कंसीडर कर लूं कि ये जो एक्स एटम है ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ध्यान से समझो इस बात को कि ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके कंपैरिजन में, कार्बन के कंपैरिजन में। तो वो कह रहा है कि जो एटम आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या करता है, इन सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को या कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करता है। ध्यान से समझो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को बेटा जी वो थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर डिस्प्लेस हो जाएंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है तो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हो रहा है उस पर बेटा जी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ध्यान से देखो कि सर ये जो पार्शियल चार्ज की कहानी है, ये जो पार्शियल चार्ज की कहानी है, इनको बेटा जी हम इनहेरेंट चार्ज भी कहते हैं, इनको हम इनहेरेंट चार्ज भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा सर इनहेरेंट का मतलब क्या है, बेटा जी इनहेरेंट का मतलब होता है नेचुरल। तो ये जो चार्ज होता है हमारे पास नेचुरल चार्ज होता है। तो जैसे ही कोई ऐसा मॉलिक्यूल, कोई ऐसा सब्सट्रेट एग्जिस्ट करेगा जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, तो उसमें से बेटा जी जो एटम आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी तरफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को शिफ्ट करेगा, और जो एटम सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा वहां पर बेटा जी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर ये पार्शियल चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है, यहां आप परमानेंट चार्ज क्यों नहीं ले रहे। तो बेटा जी परमानेंट चार्ज का जो कॉन्सेप्ट होता है
वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से आता है, और यहां पर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं है, यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन यहां से थोड़ा सा आगे की तरफ डिस्प्लेस हो गया, थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो इसलिए यहां पर पार्शियल चार्ज का कॉन्सेप्ट रहता है। तो ये हमारे पास एक बेसिक सी डेफिनेशन है इंडक्टिव इफेक्ट की। तो इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है, क्योंकि सारा का सारा इसका जो खेल है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। जरा आप इस डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो देखो इधर, ये तो सर बहुत छोटी छोटी सी बातें हो गई, अब इसके बाद मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, वो ध्यान से सुनो, फिर इसके टाइप्स के पास जाएंगे, फिर इसकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां देखो बेटा जी ध्यान से, कि अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट के, हमने इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन देख ली कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बाद अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के जैसे टाइप्स होते हैं, टाइप्स का भी डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ छोटे छोटे से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। ध्यान से देखो, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये पॉइंट्स क्लियर हो गए तो इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी खत्म है। इधर देखो, सबसे पहली चीज इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है कि सर इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये बेसिकली टोटली डिपेंडेंट है किस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज टोटली डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सारा का सारा खेल यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। दूसरी चीज कि यहां पर बेटा जी जिस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर करो सर, यहां पे जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ध्यान करो कि जब रेजोनेंस का सिलसिला चल रहा था बेटा जी, रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है, वहां पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ये इफेक्ट अराइज होता है। थर्ड थिंग, तीसरी चीज जो बेटा जी इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से ये सुनो कि यहां पर ये जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी है, वो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट में जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाओगे, इंडक्टिव इफेक्ट बेटा जी कम होता चला जाता है। मतलब डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो बेटा जी इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस कब, जब आप डिस्टेंस इंक्रीज करोगे, जब आप डिस्टेंस इंक्रीज करोगे बेटा जी ये इफेक्ट आपका कम होता चला जाता है। इसको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान से देखो कि ये मेरे पास एक कार्बन और बेटा जी यहां पर मेरे पास एक कार्बन, यहां पर मैंने कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंसीडर कर लिया। अब क्या कहानी हो सकती है बेटा जी, जब ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की कहानी क्या होती है कि सर ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इनके कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। ध्यान से देखो, अगर बेटा जी ये कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑब्वियस है कि इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ध्यान से देखो कि जब बेटा जी इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच सकता है तो इस कार्बन के जो बराबर में कार्बन होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो उससे भी खींचेगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में क्योंकि ये इसके बहुत पास में है तो ज्यादा अच्छे से खींच सकता है इलेक्ट्रॉन, इसका डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया तो बेटा जी इस पर क्या हो गया, अब आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब ये इतने अच्छे से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको नहीं खींच पाएगा, और आगे मैं बढ़ जाऊं तो बेटा जी यहां पर आपका इंडक्टिव इफेक्ट और ज्यादा वीक हो जाएगा और फोर्थ कार्बन पर आते आते बेटा जी आपका बहुत कम हो जाता है और फोर्थ कार्बन के बाद तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो सीधा सा फंडा है सर कि जो इंडक्टिव इफेक्ट का जो अफेक्शन होगा वो उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पर सबसे ज्यादा होगा, उसके बराबर जो कार्बन होगा कम होता चला जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट, और बेटा जी जैसे जैसे आप कार्बन चेन में आगे जाते जाओगे इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी वीक पड़ती चली जाएगी। तो ये है हमारे पास तीसरा पॉइंट। एक और अगर मैं आपको बात बताऊं बेटा जी, बहुत ध्यान से देखो यहां पे फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, फोर्थ पॉइंट ये है कि दिस इफेक्ट इज डिपेंड अपॉन डीएनपी रूल। सर ये डीएनपी रूल की कहानी क्या है, डीएनपी रूल बेटा जी, डी से हमारा डिस्टेंस की कहानी है,
एन से मेरे नंबर की कहानी है, और बेटा जी ये जो पी है ये पी का मतलब होता है पावर से, तो ये डिस्टेंस नंबर पावर की कहानी है। तो सर कैसे इंडक्टिव इफेक्ट डीएनपी को फॉलो करता है वो समझाइए, आप जरा इसके स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं फिर समझते हैं। ठीक है चलो देखो, जो हमारे पास ये फोर्थ पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है ये इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस नंबर पावर पर कैसे डिपेंडेंट है, ये बात एक्सप्लेन कर दो। ध्यान से देखो इधर, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मेरे पास ये एग्जांपल है कि बेटा जी ये कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, और आपका यहां पर भी कार्बन, और यहां पर मैंने कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंसीडर कर दिया। अब आप जानते हो कि सर यहां पर अगर ये होगा तो इस कार्बन पर इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, और इस वाले कार्बन पर इफेक्ट थोड़ा और कम हो जाएगा, और जैसे जैसे आप इससे दूर चले जाओगे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे, इंडक्टिव इफेक्ट वीक होता चला जाएगा। तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरी चीज सर नंबर का क्या सिलसिला है, बेटा जी नंबर का सिलसिला यह है कि यह मेरे पास कार्बन चेन है और यहां पर एक मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, अब अगर मैं यहां पर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा दूं तो एक एटम कम इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहा था, अब दो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आगे बेटा जी इस कार्बन की हालत खराब कर देंगे, ये बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, ये भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत सारी खींचेगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि बेटा जी यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमारे पास कहानी है। इसके बाद सर ये डिस्टेंस वाली कहानी क्लियर हो गई, बंद हो गया, यहीं से। ठीक है तो देखो यहां पे हमने डिस्टेंस की कहानी देख ली, नंबर की कहानी देख ली कि सर डिस्टेंस बढ़ाओगे इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, अगर नंबर ऑफ आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बढ़ाओगे तो उसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले सिर्फ एक ही ऐसा एटम था जो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, लेकिन अब दो दो पहलवान आदमी आ गए इससे इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए, तो बेटा जी इस कार्बन की हालत और ज्यादा खराब होने वाली है। तो कहने का मतलब कि नंबर अगर बढ़ाओगे तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। थर्ड थिंग आती है कि सर ये पावर का क्या कॉन्सेप्ट है, यहां पर मैंने आपको डिस्टेंस एक्सप्लेन करा, यहां पर बेटा जी मैंने आपको नंबर से एक्सप्लेन कर दिया, और अब मैं जो कहानी बता रहा हूं वो हमारे पास पावर की कहानी है। ध्यान से देखो इधर, अगर मैं पावर की बात करूं तो सर पावर की क्या कहानी है, पावर का मतलब है कि आपके पास कार्बन 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 कार्बन, यहां पर मैं फ्लोरीन लगा दूं, और दूसरी चीज सर कार्बन 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 कार्बन, और यहां पर बेटा जी मैंने ब्रोमीन लगा दिया। ध्यान से देखो इस बात को, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सर फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन पीरियोडिक टेबल, तो ऑब्वियस है कि ब्रोमीन से भी ज्यादा होगा, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कहने का मतलब वो बहुत पावरफुल है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए। ध्यान से देखो, अब अगर मैं बात करूं कि सर इसकी पावर इस ब्रोमीन से ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तो बेटा जी ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इसकी पावर अगर कम है तो ये थोड़े कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऑब्वियस है कि सर जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, और जो सर धीरे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा कम पावर लगाएगा इलेक्ट्रॉन को खींचने में उसका इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। तो यह था डीएनपी की कहानी कि सर डिस्टेंस बढ़ाओगे इंडक्टिव इफेक्ट मिनिमाइज होता चला जाएगा, नंबर बढ़ाओगे तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा, और अगर हम पावर बढ़ा देंगे तो पावर की वजह से भी क्या होता है कि आपके इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी बेटा जी बढ़ जाती है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है चलो, अब इसके बाद मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं इंडक्टिव इफेक्ट से इंपॉर्टेंट क्या क्या कहानी आ सकती है। एक बार इंडक्टिव इफेक्ट जब आप पूरा पढ़ लोगे उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहने वाला कि जो आप ना कर सको, बस इस बात का ट्रस्ट जमाओ। देखो इधर, इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं पहले टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लो, रेजोनेंस पढ़ लो, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लो, इंपॉर्टेंट इनकी डेफिनेशन नहीं है,
इंपॉर्टेंट ये है कि आप इनको मॉलिक्यूल पर अप्लाई कैसे करें, इनका एप्लीकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन तो बुक्स में मिल जाती है, लेकिन इनका एप्लीकेशन बुक में नहीं मिलता कि किस तरीके से मुझे ये अप्लाई करने हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। इन्हें देखें कि अगर मैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं बेटा जी, तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का होता है। एक कहते हैं हम जिसे प्लस आई इफेक्ट, और दूसरी कहानी होती है हमारी विच इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। ध्यान से समझो, ये मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं। इधर देखो कि अगर मेरे पास एक कार्बन और कोई एक्स एटम लगा हुआ है, ठीक है, अभी मैं कंसीडर कर दे रहा हूं कि सर ये एक्स एटम हो सकता है कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों केस बनाता हूं। अगर ये एक्स बेटा जी, अगर ये एक्स आपका कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर ये एक्स बेटा जी कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपको पता है सर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देगा, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, खींचेगा। ध्यान से देखो, अगर मैं ये कहूं कि सर ये एक्स जो है, कंडीशन बना दूं, फर्स्ट केस है कि सर जो एक्स है आपका वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, कार्बन से। ये किसका, किसके व्याप पे बता रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के व्याप पर। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि सर आपका एक्स जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसके कंपैरिजन में, कार्बन के। तो यहां भी मैंने किसकी बात करी है बेटा जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट की बात की है। ध्यान से समझो, अब देखो इधर कि सर अगर मेरा, इधर देखो कि ये मेरे पास कंडीशन है कि कार्बन एक्स बॉन्ड था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सर इसमें कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो कार्बन क्या करेगा कि यहां पर जो कोवेलेंटेड इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव। ध्यान से सुनो इस बात को कि सर यहां पर ये जो एक्स ग्रुप है, इस एक्स ग्रुप ने क्या करा कि अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरों को दे दी। इस एक्स ग्रुप ने क्या करा यहां पे कि अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन को दे दी, या हम कह सकते हैं कि दूसरों को दे दी। और बेटा जी जो दूसरों को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरों को इलेक्ट्रॉनिकली रिच करता है, वो बेटा जी उसको हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो यहां पर जो एक्स है आपका वो एक ऐसा ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ध्यान से समझो, अब इधर आते हैं कि सर ये जो कार्बन और एक्स है मेरे पास, दूसरी कंडीशन ये कि हो सकता है कि ये जो आपका एक्स एटम है या जो एक्स आपका ग्रुप है ये सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो कार्बन से, तो क्या होगा सर, अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, और जब अपनी तरफ शिफ्ट करेगा तो यहां पार्शियल नेगेटिव और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो कि सर इस एक्स एटम ने क्या करा, इस एक्स एटम ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचा है, और जब एक्स एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है तो कार्बन की हालत क्या हो रही है सर, कार्बन इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो रहा है। और अगर कोई ग्रुप दूसरों को इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट करता है तब हम उसे बेटा जी माइनस आई ग्रुप कहते हैं, और इस इफेक्ट को हम माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। एक बार रिकैप करते हैं कि सर प्लस आई इफेक्ट का मतलब अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरों को देना, जब आप अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरों को दोगे तो दूसरों को इलेक्ट्रॉनिकली रिच करोगे, और बेटा जी जब अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या फिर आप क्या कर रहे हो माइनस आई में कि दूसरों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हो, दूसरों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर खींच रहे हो तो बेटा जी दूसरों को आप इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट कर रहे हो, इसको हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। अच्छा एक बहुत सिंपल सी बात देखो कि सर अगर ये वाला ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है यहां पे, तो दिमाग लगाओ सर कार्बन क्या कर रहा है, अब भाई ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, किससे खींच रहा है, कार्बन से, तो कार्बन क्या कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो बेटा जी माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट दोनों कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स है, अगर इसका माइनस आई है तो इसका यहां पर प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स इलेक्ट्रॉन खींच रहा है माइनस आई, लेकिन दे कौन रहा है इलेक्ट्रॉन, कार्बन, तो कार्बन का देने का नेचर है तो कार्बन प्लस आई। इधर सेम कंडीशन देखो, यहां पर कार्बन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो माइनस आई इफेक्ट हो गया कार्बन का, लेकिन एक्स क्या कर रहा है, एक्स इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बेटा जी एक्स का यहां पर प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान से समझो इस बात को कि प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है, अगर एक कंपाउंड में एक ग्रुप माइनस शो कर रहा है तो उसके जो अपोजिट वाला है वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो ये हमारे पास
इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप से आप इसे लिख लो। इसके बाद मैं आपको स्ट्रेंथ ऑर्डर बता देता हूं कि सर प्लस आई इफेक्ट में किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, माइनस आई इफेक्ट में किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। मैं आपको पूरी टेबल लिखवा देता हूं, फिर वो टेबल आप लिख लेना और ये रफ करो, ठीक है। ध्यान से देखो इधर, अब मैं आपको पूरी टेबल लिखवा देता हूं, उस टेबल के अकॉर्डिंग आप देख लेना कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, और मैं वो पूरी टेबल आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किसी का प्लस आई ज्यादा है तो क्यों है, किसी का माइनस आई ज्यादा है तो बेटा जी क्यों है। ध्यान से देखो इधर, अब मैं आपको दिखाता हूं वो, इधर देखो ध्यान से, मैं आपके सामने वो टेबल लिख देता हूं, देखो इधर। अब हमने देखा कि सर प्लस आई माइनस आई दो कहानी थी मेरे पास, तो सबसे पहले मैं प्लस आई इफेक्ट का पूरा ऑर्डर लिख देता हूं आपके सामने। ध्यान से देखो कि यहां पर CH2 नेगेटिव, उसके बाद NH नेगेटिव दे रखा है आपको, उसके बाद O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, फिर उसके बाद बेटा जी कार्बन CH3 और CH3, इसके बाद हमारे पास क्या है कि कार्बन H CH3 और CH3, इसके बाद बेटा जी कार्बन CH और यहां पर आ जाएगा हमारे पास CH3, इसके बाद लास्ट में आपका CH3। इसके बाद देखो ध्यान से, अगर हम आगे बढ़ेंगे इसमें तो यहां पे आपका आ गया क्या ट्राइटियम, उसके बाद ड्यूटीरियम और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आएगा आपका NR3 पॉजिटिव, और उसके बाद हम चले तो SR3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, N डबल बॉन्ड O और यहां पर ऑक्सीजन, ये हमारा आएगा, उसके बाद सल्फर डबल बॉन्ड और बेटा जी यहां पर हमारा OH, इसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड N, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे हम C डबल बॉन्ड OH, इसके बाद C डबल बॉन्ड O और बेटा जी हमारा CH2, C डबल बॉन्ड OH, इसके बाद हमने देखा फ्लोरीन क्लोरीन सर, इसके बाद हमारा ब्रोमीन है, देन फिर आयोडीन, उसके बाद मैंने यहां OR ग्रुप लिख दिया, OR के बाद बेटा जी हमारा OH ग्रुप होगा और OH के बाद हमारा C ट्रिपल बॉन्ड CH, देन NH2 और इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको ये बेंजीन रिंग मिल जाएगी। ध्यान से देखो, अब मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्या है, पूरी इंडक्टिव इफेक्ट की टेबल है। देखो कि अगर मैं बात करूं, आपने देखा कि सर एक मेरे पास प्लस आई की कहानी है, दूसरी मेरी माइनस आई की कहानी है। ध्यान से देखो, अगर मैं प्लस आई और माइनस आई की बात करूं तो बेटा जी जो आपका प्लस आई है उसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कह सकते हैं, और जो माइनस आई है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अब अगर ध्यान दो बेटा जी, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर सकता है, तो बेटा जी सबसे अच्छे इलेक्ट्रॉन वही डोनेट करेगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। इसलिए जितने भी ये नेगेटिव चार्ज वाले आपको दिखाई दे रहे हैं CH2 NH नेगेटिव O नेगेटिव, ये बहुत अच्छे डोनर्स हैं, बिकॉज इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके पास नेगेटिव चार्ज है। और इनमें से भी अगर आप पूछो कि सर CH2 बहुत अच्छे से डोनेट क्यों करेगा, फिर उसके बाद NH, फिर उसके बाद O2, तो बेटा जी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन, तो ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज तो है, डोनेशन का नेचर तो है, लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला नेचर है, वो नेचर इसको देने के लिए थोड़ा सा मना करता है कि नहीं भाई इलेक्ट्रॉन मत दो, लेकिन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इसके कंपैरिजन में सबसे कम देने की टेंडेंसी इसकी, बिकॉज ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके बाद नाइट्रोजन की, बिकॉज नाइट्रोजन इससे थोड़ा सा कम है, और फिर बेटा जी कार्बन का सबसे अच्छा नेचर है, बिकॉज कार्बन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी नहीं है। इसके बाद आते हैं कि सर यहां पर भी O नेगेटिव है और यहां पर भी आपका O नेगेटिव है, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों में O नेगेटिव में इस O नेगेटिव की टेंडेंसी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्यों है, तो इस बात को भी एक्सप्लेन करते हैं कि बेटा जी यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज देखो डीलोकलाइज्ड है, यहां पर रेजोनेंस है ABC, ए पर नेगेटिव सी पर डबल बॉन्ड, रेजोनेंस की कहानी है, तो देने का मतलब कि यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है बेटा जी वो थोड़ा सा बिजी है डीलोकलाइजेशन में, और इस वजह से क्या है कि उसकी देने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी इस ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम है। उसके बाद
जब हमारे देने की टेंडेंसी नेगेटिव वाले खत्म हो जाते हैं तो जितने ज्यादा आपके CH3 होंगे उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन देंगे। भाई एक CH3 का नेचर इलेक्ट्रॉन देने का है तो यहां पे तीन तीन CH3 तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे। उसके बाद यहां पर दो है आपके पास तो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम देंगे, और इसके पास बेटा जी एक ही है तो इसके कंपैरिजन में और कम, और यहां पर आपका क्या आ गया CH3 ग्रुप, तो ये और कम इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई में शो करेगा। इसके बाद यहां पर अगर हमने बात करें कि सर ट्राइटियम ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में से, सर इसमें आपको कैसे पता चला कि ट्राइटियम ज्यादा अच्छे से देगा इन कंपैरिजन टू ड्यूटेरियम इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, तो इस बात को भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इधर देखो, अगर मैं इसकी बात करूं बेटा जी कि मैंने यहां पे ले लिया कि एक मैंने बना दिया CT3, दूसरा मेरे पास है CD3 और तीसरा मेरे पास है CH3। अब क्वेश्चन है कि सर इनमें से अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, तो इस बात को समझो यहां पे कार्बन और ट्राइटियम का बॉन्ड है, यहां पर कार्बन और ड्यूटेरियम का बॉन्ड है, यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सर अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, तब क्या होता है बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। सर बॉन्ड लेंथ बढ़ती कैसे, ध्यान से समझो, यहां पर जो ट्राइटियम है आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सर ट्राइटियम का एटॉमिक मास ज्यादा है ड्यूटेरियम से, और ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास ज्यादा है किससे बेटा जी हाइड्रोजन से। ध्यान से समझो, अगर यह कहानी है तब फिर क्या सिलसिला होगा, ध्यान से देखो कि सर अगर ये इसका मास बहुत ज्यादा है, इसका मास क्या है इन केसेस में मैक्सिमम है, और जिसका मास ज्यादा है उसके बॉन्ड में वाइब्रेशंस कम होते हैं, जो हल्का फुल्का है उसके बॉन्ड के वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, और जिसके बॉन्ड के वाइब्रेशंस ज्यादा होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, भाई बॉन्ड जब बन रहा है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इतने अच्छे से डोनेट नहीं कर पाएगा, जिस बॉन्ड में वाइब्रेशंस ज्यादा होंगे उसके इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी देने की ज्यादा नहीं होती, इसलिए यहां पे ट्राइटियम लिखा है, क्योंकि ट्राइटियम और कार्बन का जो बॉन्ड बनता है बेटा जी वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ साथ कहानी क्या है कि वहां पर बॉन्ड के अंदर वाइब्रेशन कम है, बिकॉज मास ज्यादा है, भारी चीज लगी हुई है, वाइब्रेशन कम करेगी, और वाइब्रेशन कम करेगी तो उसके बॉन्ड एक जगह टिके हुए होंगे तो वो आराम से उठा के दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी शिफ्ट कर सकता है। लेकिन जब हाइड्रोजन की बात आती है तो हाइड्रोजन की कहानी क्या है कि उसका मास बहुत कम है तो उसके कार्बन और हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड होगा वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेगा, तो वाइब्रेशन की वजह से जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बेटा जी वो किसी को शेयर नहीं कर पाएगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी को नहीं दे पाएगा, इसलिए कार्बन ट्राइटियम की ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद हाइड्रोजन। यहां तक की जो कहानी है बेटा जी, यहां तक के जो ग्रुप लिखे हैं मैंने, ये सारे प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, और इसके बाद की मैं बात करूं, इसके बाद ये जो दिख रहे हैं आपको प्लस वाले, अब किसी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो बेटा जी वो कैसा भी सही उसको इलेक्ट्रॉन की भूख होती है, फिर उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो इसके बाद का जो सिलसिला है, इसके बाद की जो कहानी है वो माइनस आई इफेक्ट की है, तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट उसका होगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो बेटा जी इसका सबसे ज्यादा है, इसलिए तो ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले हैं इनका सबसे ज्यादा है। यहां पर एक प्रॉब्लम रहती है कि सर NR3 पॉजिटिव और NH3 पॉजिटिव, मैं आपने ज्यादा किसका बताया NR3 का, ठीक है बाकी एक बार देख लो, मैं प्रॉब्लम यहां गिनाऊंगा और उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा, बाकी सब आप देखोगे कि सर उसी के अकॉर्डिंग कहानी चल रही है, ये आपकी स्ट्रेंथ रहती है। जो प्रॉब्लम आएगी वो आपको एक तो यहां आ रही होगी, दूसरी प्रॉब्लम रहती है कि सर OR का ज्यादा कैसे है OH से, तो ये दो प्रॉब्लम्स आपके सामने मैं इनका सॉल्यूशन दूंगा कि ऐसा क्यों है, जनरली होना नहीं चाहिए लेकिन है, क्यों नहीं होना चाहिए वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट की स्ट्रेंथ का मतलब फंडा है, मैं ये रफ करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे दो चार बार पढ़ लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो जो इसके अंदर कंफ्यूजन है उनको मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखो इधर, अगर बेटा जी हम बात करें, अगर हम बात करें इधर देखो ध्यान से, हाँ यार देखो कि यहां पे दो क्वेश्चंस थे सर, एक तो आपने बताया कि NR3 प्लस का इंडक्टिव इफेक्ट मतलब माइनस आई इफेक्ट, ये माइनस आई इफेक्ट की कहानी है, ज्यादा होता है NR3 का NH3 से, दूसरी है कि सर OR का भी ज्यादा होता है OH से, कहानी क्या है एक बार समझो, NR3 की कहानी क्या है कि सर R यहां पर भी R और यहां पर भी R, NH3 की कहानी क्या है सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन,
हमारी मतलब है कि हमें इलेक्ट्रॉन खींचने हैं। कौन अच्छे से खींचेगा? आप जानते हो कि सर ये जो R है ये एल्काइल ग्रुप है और एल्काइल ग्रुप CH3 ग्रुप क्या करते हैं, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरों को देते हैं। तो वो क्या करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन को देंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन को देंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन को देंगे। इधर समझो, यहां पर हाइड्रोजन इतना प्लस साइड इफेक्ट शो नहीं करता तो ये देगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। अब ध्यान से देखो कि अगर R बहुत सारे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं तो बेटा जी इस नाइट्रोजन की भूख इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के लिए इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन मिले भी नहीं इतने। स्टिल वो ये कह रहा है कि इसको इलेक्ट्रॉन की ज्यादा भूख है, इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। तो इस बात को समझो बेटा जी ध्यान से कि ऐसा क्यों होता है। यहां पर कहानी क्या है कि ये जो नाइट्रोजन है और ये आपका जो R ग्रुप, दूसरा R ग्रुप और तीसरा R ग्रुप, ये R है, ये भी R है आपका, ये भी R है, और नाइट्रोजन की भी अपनी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो इतने नाइट्रोजन का एक तो स्मॉल साइज, नाइट्रोजन का साइज इतना ज्यादा नहीं होता, एक तो कहानी है कि सर स्मॉल साइज, और उस स्मॉल साइज के अंदर बड़े बड़े दो एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं तीन। अब ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और इनके रिपल्शन को दूर करने के लिए क्या, अब देखो रिपल्शन होगा तो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, ये जो R है ये अपनी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर लेते हैं, ये अपनी बॉन्ड लेंथ को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो जो दो इलेक्ट्रॉन पहले यहां थे, जब बॉन्ड बड़ा होगा तो ये बेटा जी दूर हो जाएंगे, और इतनी दूर हो जाएंगे कि अब ये प्लस R इफेक्ट से भी अपने इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन तक नहीं पहुंचा पाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा पाएंगे तो नाइट्रोजन बहुत परेशान रहेगा इलेक्ट्रॉन के लिए, इसलिए वो बहुत ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। दूसरी तरफ OROH सेम कहानी रहेगी सर, OR में R जो है एल्काइल ग्रुप रिपल्शन करेगा, रिपल्शन की वजह से उसका बॉन्ड दूर चला जाएगा, और जब बॉन्ड दूर चला जाएगा तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन तक नहीं पहुंच पाएंगे, ऑक्सीजन उनको नहीं खींच पाएगा क्योंकि बहुत दूर हो जाएंगे, जिस वजह से ऑक्सीजन की भूख बहुत ज्यादा होगी, इसलिए इसका इंडक्टिव इफेक्ट इससे ज्यादा हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बेटा जी हम इतना ही तैयार करते हैं, इतनी ही हम बातें करते हैं। इसके बाद हमारा अभी इंपॉर्टेंट कुछ पोर्शन रह गया है, अभी हम कुछ स्ट्रक्चर वाले में बात करेंगे जहां पर आपके साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे या कुछ और एडिशनल कहानी होगी, उसके एप्लीकेशन पार्ट होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसको अप्लाई करेंगे, जितनी भी सारी चीजें हमने सीखी है, फिर हम हाइपर कॉन्जुगेशन की कहानी स्टार्ट करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और बेटा जी अगर सारी कुछ बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, ये सारी चीजें करोगे हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। सो थैंक यू सो मच।